नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में मजदूरों पर हो रहे उत्पीड़न को रोकने की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके संबंध में भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर सिंह ने बताया कि ठेकेदार मजदूरों से कार्य कराने के बाद उनकी दिहाड़ी नहीं दे रहे हैं। जब इसकी शिकायत संबंधित थाने पर की जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसके अलावा पेटी ठेकेदार द्वारा मजदूरों से कार्य करवाकर उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हमारी मांग है कि पेटी ठेकेदारों के खिलाफ भी कानून बनाकर कार्रवाई की जाए और पुत्री विवाह योजना का लाभ विवाह से पूर्व किया जाए। मजदूरों की मृत्यु हो जाने पर 3 महीने के अंदर सहायता राशि दी जाए। इस अवसर पर भुआल प्रसाद, ध्रुव कुमार, रविंद्र यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने कहा, भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के तत्वाधान में असंगठित मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं, ये काम करते हैं। काम के दौरान इनको जो है दबंग मालिकों द्वारा इनका उत्पीड़न किया जाता है। काम कराने के बाद इनकी वाजिब मजदूरी नहीं दी जाती है और जब ये शिकायत लेकर के पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी मजदूरों के दबंग मालिकों के प्रभाव में इनका ही उत्पीड़न करते हैं। और जब ये श्रम विभाग में अपनी शिकायत लेके जाते हैं तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी और श्रम उप श्रमायुक्त ये कहते हैं कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं इनकी शिकायत हम नहीं सुनेंगे। हमारा विभाग श्रमिकों की समस्या को सुनता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टरों की समस्याओं को नहीं सुनता। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी भी उनको जो है मजदूर संरक्षण कानून बना करके उनको संरक्षण दिया जाए और उनकी शिकायतों को सुना जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अन्यथा जो है भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। उमाशंकर सिंह।